हेलो एवरी वन एंडम न्यू लेक्चर फॉर इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ एंड आज का जो हमारा टॉपिक है मैनेजीरियल यूनियनिज्म बड़ा छोटा सा टॉपिक है बस एक ब्रीफ सी अंडरस्टैंडिंग बेसिकली हम लेंगे इस लेक्चर के अंदर बहुत ज्यादा कुछ ऐसी डिटेल्स या बहुत सारे कुछ ऐसे फैक्ट्स इसके अंदर नहीं रहेंगे और जरूरत भी नहीं है उसके अंदर जाने की हमें

तो बेसिकली कुछ चीजें ऐसी होंगी शायद जो उस ले, उन लेक्चर्स के अंदर है वो इन लेक्चर्स के अंदर नहीं आएगी और कुछ नई चीजें इन लेक्चर्स के अंदर आएंगी जो उधर नहीं कवर हुई है तो सारे के सारे लेक्चर्स आपने देखने हैं ये मैं टाइम एंड अगेन रिपीट कर रहा हूँ सो मैनेजीरियल यूनियनिज्म शुरू करेंगे बिफोर गोइंग इन टू दैट दीज आर द कोर्सेज कोर्स और ये एमसीक्यू ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे एंड पीडीएफ फाइल्स जो भी यूट्यूब के ऊपर लेक्चर हो रहे हैं वो पीडीएफ फाइल्स आप डाउनलोड कर सकते हो ईजीली उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है सिर्फ आपको नाइनटी नाइन रुपीज पे करने हैं और राइट सो लेटस्ट क्विकली स्टार्ट विद मैनेजीरियल यूनियनिज्म तो तो सबसे पहले तो देखो जी ये मैनेजीरियल यूनियनिज्म जो है ना आप एक तरीके से समझो सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ देसी भाषा में एक एंड के ऊपर हमने बोला जो वर्कर की यूनियन है ठीक है जिसके अंदर वर्कर मेंबर है दूसरी तरफ पे हमने बोला इंप्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम ईओ भी बोलते हैं जिसके अंदर जहां पर जो मालिक है ऑर्गेनाइजेशन के जो मेजर इंप्लॉयर हैं वो आ जाते हैं मैनेजेरियल जो यूनियनिज्म है वो एक तरीके से इन दोनों के बीच में आता है ओके okay, सो so, जो बेसिकली हाई पोस्ट्स होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजेरियल पोस्ट्स होती हैं व्हेन यूनियन तो उसको हम बोलते हैं मैनेजीरियल यूनियनिज्म देखो अब मैनेजर्स तो मैनेजर्स और ऑफिसर्स आपको इंडिया में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिलेंगे मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस के अंदर भी होंगे कॉमर्शियल बैंक के अंदर इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर आर एंड डी बॉडीज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के अंदर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन हो गए सिविल सर्विस हो गया मर्चेंट नेवी हो गया ठीक है तो ये ऑफिसर्स है एंड दे यू नो इन इजेशन के अंदर या इन in इंडस्ट्रीज के अंदर इन डाइवर्स के अंदर पीपल आर कमिंग ठीक है वो कलेक्टिव एसोसिएशन कर रहे हैं ओके okay? तो बेसिकली इट इज आल्सो गेनिंग अ एस्पेक्ट ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म अब आपने देखा होगा कि जैसे आईएएस है आईएएस ऑफिसर्स की अपनी एक लॉबी होती है अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है ठीक है तो बेसिकली जो इनके इंटरेस्ट्स हैं उनको बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो

बस वो इंटरेस्ट जो है वो किसका रिप्रेजेंट कर रही है मैनेजर का एक्सपेक्ट कर रही है अब मैनेजर या ऑफिसर्स अलग अलग नाम से अलग अलग जॉब्स होते हैं इनके ओके बेसिकली बेसिकलीज आर पीपल जो हाइयर लेवल्स के ऊपर ऑर्गेनाइजेशनल हेरारकी में काम कर रहे हैं अब बेसिकली ना तो ये व्हाइट कॉलर के अंदर आ रहे हैं व्हाइट कॉलर में जिसमें आपके क्लर्क्स ड्राफ्टमैन टेक्नीशियन सेल्समैन लेबोरेटरी असिस्टेंट्स वगैरह आ जाते हैं जिनका रूटीन और रेपिटेटिव काम है

क्योंकि इंडिया के जो शुरुआती साल थे आफ्टर इंडिपेंडेंस पब्लिक इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की ग्रोथ हो रही थी सिक्सटीज के अंदर तो पब्लिक सेक्टर के अंदर बहुत सारी मैनेजरियल यूनियंस जो है वो फॉर्म हुई आज के डेट में अगर आप देखोगे कोई भी ऐसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज नहीं है जहां पर जो मैनेजर्स हैं उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं किया है ठीक है धीरे धीरे ये मैनेजरियल यूनियन मूवमेंट जो है वो बड़ा सेवेंटीज के अंदर बड़ा कोल स्टील पेट्रोलियम इंजीनियरिंग केमिकल टेक्सटाइल इलेक्ट्रॉनिक्स बैंकिंग इंश्योरेंस हर सेक्टर तक ये पहुंच गया ओके सेटबैक इसको मिला थोड़ा सा मिड सेवेंटीज के अंदर देखो जब इसको सेटबैक मिला बेसिकली वो इमरजेंसी का टाइम था उस टाइम पर तो ट्रेड यूनियन मूवमेंट को भी सेटबैक मिला था ठीक है तो वो एक जो शॉक था वो सब टाइप की यूनियनिज्म ने जो है वो फेस किया चाहे वो ट्रेड है चाहे वो इंप्लॉयर ऑर्गेनाइजेशंस थे चाहे वो मैनेजरियल यूनियनिज्म था ठीक है जी पब्लिक सेक्टर के अंदर एक नया फेज आया 80s के अंदर 1983 में एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे अब ये जो फैक्ट्स हैं जिसको हम बोलते हैं नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ऑफिसर्स एसोसिएशन बेसिकली ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के जो ऑफिसर्स हैं उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1992 टू के अंदर एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम था प्रोफेशनल वर्कर्स ट्रेड यूनियन सेंटर अगेन इसका क्या काम था कि कैसे मैनेजीरियल या जो सुपरवाइजरी स्टाफ है ऑफिसर्स हैं साइंटिफिक वर्कर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए ठीक है तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बनने के बाद बहुत सी ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी उन्होंने भी पीडब्ल्यू को ज्वाइन किया जैसे ऑल इंडिया बैंक्स ऑफिसर कॉन्फेडरेशन एनसीओए जो आपका नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑफिसर एसोसिएशन है ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस ऑफिसर्स एसोसिएशन नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफिसर्स एसोसिएशन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च साइंटिफिक वर्कर्स एसोसिएशन ठीक है तो ये सब बेसिकली अपने आप को ऑर्गेनाइज करते गए और एक सिंगल ग्रुपिंग बनाने की यहाँ पर कोशिश की गई ताकि बेटर जो है रिप्रेजेंट किया जा सके ऑल ओवर पब्लिक सेक्टर के अंदर प्राइवेट जो मैनेजेरियल इंटरेस्ट है उसको ठीक है तो ये एक बहुत माइनर सा टॉपिक uh, है हमारे जब हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस को पढ़ते हैं बहुत ज्यादा वास्ट नहीं है ठीक है लेकिन एक आइडिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है जैसे नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ऑफिसर एसोसिएशन कब फॉर्म हुआ पीडब्ल्यूटीयूसी कब फॉर्म हुआ ये थोड़ा सा माइनर आइडियाज आपको रखने हैं और इसी पर्पज के लिए वीडियो जो है वो बनाया गया है। And इतना है आपके लिए में, don't worry, इसके से कुछ नहीं आएगा। अभी ये था डोट कन्फ्यूज इट विद इम्प्लॉयर ऑर्गे इम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वो थोड़ा सा लेंदी होगा ऑल राइट सो विध दिस वी विल एंड दिस लेक्चर का डाउट हो कमेंट करें मैसेज करें व्हाट्सएप करें टेलीग्राम करें कुछ भी करें एंड पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन uh, में बट नाइनटी नाइन रूपीज देखो कोई ये इनकम के लिए नहीं रखे गए मैं बार बार बोलता हूँ दिस इज जस्ट फॉर अ सीरियसनेस ओके समझ लो नहीं तो वैसे तो सब कुछ फ्री ही है ओके ऑल राइट चलिए विल सी इन द नेक्स्ट क्लास एंड डू सब्सक्राइब द चैनल